इलाका देखिए, दूर दूर तक फैले उस रेगिस्तान में हम आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये कभी टूरिस्ट प्लेस होगा। बिल्कुल, आज एक 5 स्टार होटल में रहने के बजाय लोग कच्छ। और विनोद जी, उस पुनर्निर्माण को एक तरह से पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया उसको एक मॉडल की तरह मानती है, समझती है और उसका अध्ययन भी आज तक होता है। लेकिन 12 साल तक नरेंद्र मोदी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, पिछले 8-8.5 सालों में वो दिल्ली में हैं और पूरे देश में है कहा जाए, तो आपको लगता है कि जब इस तरह के चुनावी मौके आते हैं, जब प्रधानमंत्री ज्यादा वक्त देने की कोशिश करते हैं गुजरात की जनता को, तो आपको लगता है कि एक तरह से जो उनका कनेक्ट है वो फिर से रिचार्ज होता है या उस रिचार्ज की जरूरत ही नहीं महसूस होती आम लोगों को? कैसे इस कनेक्ट को आप बताना चाहेंगे जो उनकी भूमिका बदली है 2014 के बाद? आपने बहुत सही में बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर के उस रैलियों को कवर करने का हम लोगों को भी अवसर मिला है। अब आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर जब गुजरात से दिल्ली आ गए थे और जब वो रैलियां करते हुए दिखते हैं गुजरात में, और जब वो जाते हैं और जब वो मंच पे सामने में खड़े होते हैं और कहने शुरू करने से पहले बोलते हैं केम शो, और पूरे वहां पे बैठे हुए लोगों में एक साथ वो आवाजें आती है और हाथ खड़ा करता है, तो ये नजारा लोगों को अचंभित करता है। ये केम शो के बाद का जो रिस्पॉन्स होता है लोगों की भीड़ से, तो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी ने अपना गुजरात से लोगों से कनेक्शन कभी टूटने नहीं दिया है। कोरोना के काल में भी आपको याद होगा हम लोगों ने कवर किया था, तो सबसे पहला अगर रोड शो हुआ कोरोना के जैसे ही ये लॉकडाउन और सबकी नॉर्मल सिचुएशन हुई थी, तो नरेंद्र मोदी इसी अहमदाबाद में रोड शो उन्होंने किया था और लोगों के बीच में गए थे। वो ये दर्शाने के लिए हुई थी कि वो लोगों के बीच पहुंच के उनसे वो डायरेक्ट वो मिल रहे हैं, उनको संवाद कर रहे हैं, लोगों का हाल जान रहे हैं। वो रोड शो के जरिए उन्होंने पूरे अहमदाबाद शहर को बहुत करीब से देखने का उनको ये मौका मिला था। तो ये इसलिए वो बार बार करते हैं कि वो कभी भी लोगों के बीच से अपने को गायब नहीं किया है, वो सीन से कभी हटे ही नहीं है। तो लोगों को जब खुद ही आश्चर्य लगता है कि बगैर कोई एंटी इनकम्बेंसी का अगर गुजरात में अभी भी मोदी लहर है, गुजरात में अभी भी पोस्टर मोदी की ही है, तो ये इसके पीछे सिर्फ कोई मीडिया नहीं है, इसके पीछे मोदी का वो कनेक्शन है, मोदी का वो काम है, जो मोदी पर लोगों का जो भरोसा है, ये मोदी के नेतृत्व की ताकत है। बिल्कुल, और यही मोदी का करिश्मा है। दरअसल मोदी जी का जो ये करिश्मा है, ये इसी उनके अथक परिश्रम से, उनके कनेक्ट से, उनके राजनीतिक स्टाइल से और उनकी शुचिता और ईमानदारी से है, जो सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि देश की जनता भी उससे जुड़ती है। और आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना बड़ा हुजूम उमड़ा है यहाँ पर। विनोद जी, आपसे समझना चाहेंगे, 27 साल से एक ही पार्टी वहां सत्ता में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 वर्षों तक वहां सत्ता में रहे और उसके बाद भी लगातार जो उनका विजन है वो आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से? क्योंकि एक के बाद एक चुनाव जीतना, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स होते हैं चुनाव में, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं, उनको धता बताते हुए क्या वजह लगती है आपको प्रमोद? निखिल, आपने सच में ये सवाल को जो आपने एक इस देश के जो राजनीतिक पंडित हैं और जो एनालिस करने वाले लोग हैं, एनालिसिस करते रहते हैं और जो अपने अपने नैरेटिव्स को लेके आते हैं, उनको एक बार गुजरात जरूर जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अपना अनुभव है निखिल, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि जब मैं एक भुज के एक रैली में मुझे जाने का अवसर मिला था और मैं उस रैली में खड़ा था, तो मैं वहाँ के जो बुजुर्ग कुछ लोग थे, तो मैं उनको पूछा कि आप यहाँ कब आए थे, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो 2-3 घंटे पहले आ गया था, मुझे पता था ये पीएम का इतने बजे आना है, लेकिन मुझे आगे बैठना था, मैं इसलिए आ गया था कि उनको देख सके जी। तो मैंने कहा कि ये पीएम को देखने के लिए आपको इतनी ललक क्यों है, क्यों आप लोग आते हैं पीएम को देखने के लिए? तो उन्होंने कहा कि ये हमारा टेस्टेड नेता है। तो मैं आज तक इस बात को एक सूत्र मानता हूँ बीजेपी के जीत का और प्राइम मिनिस्टर के यूएसपी का, कि वो टेस्टेड है। लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी उसका टेस्टेड नेता है, जिसने जो कहा वो कर दिखाया, और वो कर नहीं दिखाया, पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या आप यकीन कर सकते थे कि गुजरात में जो पानी की समस्या थी, 50 साल से सरदार सरोवर डैम बनने की इंतजार करते रहे वहाँ सारे लोग, वहाँ आदिवासी के गांव, और वहाँ हर बात एक नैरेटिव दिया जाता था कि ये जब बांध ऊंचा होगा तो पूरा गुजरात का वो इलाका जो है वो पानी से डूब जाएगा।
या फिर ये 100 केस बन के रह जाएगा या कुछ नहीं होगा। आज वो लोग हकीकत देखते हैं निखिल। अब जब आप जाएंगे वहाँ 10,000 से ज्यादा वहाँ जो ये गांव है और आबादी है आज उस सरदार सरोवर डैम पे डिपेंड करता है। हजारों एकड़ की सिंचाई और खेती बाड़ी उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो एक पॉलिटिकल विल होता है उस विल को उन्होंने दिखाया था। कैसे नदियों को कनेक्ट करके नर्मदा के पानी को उन्होंने सौराष्ट्र तक पहुंचाया था, कैसे महीने में जी सिर्फ सिंचाई ही नहीं बल्कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है और उसके आसपास जो विकास हुआ है उस क्षेत्र के बारे में कहा जाता था कि जो वहां के आदिवासी हैं उनके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आज वहां रोजगार के जितने मौके पैदा हुए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उस पूरे इलाके में, उसकी कल्पना वो लोग कर ही नहीं पाए जो उसका लगातार विरोध करते रहे। और इसको लेकर ये इस चुनाव में भी मुद्दा बन रहा है और प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा भी है कि जो लोग इस परियोजना के खिलाफ थे वो एक तरह से गुजरात के विकास के विरोधी थे। इसी से अगर हम बात करें, मैं बड़े अनुभवी राजनीति को फॉलो करते रहे हैं विनोद जी, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा आपको। यही गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रही, यहीं वो पैदा हुए, राजनीति संघ से जुड़े और उसके बाद राजनीति की शुरुआत उन्होंने की।